अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटे? आज का हमारा टॉपिक असल में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे मैस एंड वेट पे। मैस एंड वेट का एक छोटा सा टॉपिक है। अक्सर उकात हम मैस एंड वेट को सेम क्वांटिटीज़ कंसीडर कर जाते हैं, सेम चीज़ें तसव्वुर कर जाते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। मैस और वेट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। मैस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मतलब क्या है कि कोई भी मैटर, कोई भी बॉडी जितना मैटर पोजेस करती है वो उसका क्या कहलाता है? मैस कहलाता है। मतलब कोई भी बॉडी आप देखिए, फर्ज कीजिए ये एक ब्लॉक है, इसके पास कितना मैटर है। मैटर आप जानते ही हैं, किसे कहते हैं मैटर? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, दैट इज़ मैटर। तो किसी बॉडी के पास कितना मैटर है, कितना वो मैटर पोजेस करती है, कितनी वो जगह घेरती है, कितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कितना उसका हुजम है, दैट इज़ मैस। मैस क्या है कि उस बॉडी के पास कितना मैटर मौजूद है, कितनी सॉलिड चीज़ मौजूद है, कितना लिक्विड मौजूद है, कितनी गैस मौजूद है और कितना प्लाज्मा मौजूद है, दैट इज़ मैस। इसके अलावा एक तो डेफिनेशन होगी मैस की, मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी। बॉडी के पास जितना मैटर हुआ करता है वो उसका क्या कहलाता है? मैस कहलाता है। इसके अलावा मैस, पहली तो इसकी डेफिनेशन हो गई जो हमने देखी, डेफिनेशन। देन दूसरी चीज़ इसकी क्या है बेटे? दूसरी चीज़ इसकी क्या है कि मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरफ है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड, इसकी डायरेक्शन से हिम्मत नहीं बतानी पड़ती। सो मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा जी, मैस को किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है? मैस इज ऑलवेज बीन कैलकुलेटेड इन किलोग्राम्स। मैस के कैलकुलेट होने का यूनिट जो है, मैस को किस में तोला जाता है, किस यूनिट में मापा जाता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। मैस क्या थी? एक बेस क्वांटिटी थी और उसका यूनिट क्या था? किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह डेफिनेशन उसकी स्केलर क्वांटिटी है, किलोग्राम है। अब मैस को मेजर किस आले से करते हैं? मैस मेजर करने के लिए स्पेशल आला होगा ना। क्या हमने पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? वो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, वो क्या थे? मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो मैस मेजर करने के लिए, जनरली कॉमनली आम तौर पे हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? दैट इज़ फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस को हम प्रेफर करते हैं, फिज़िकल बैलेंस को हम इस्तेमाल करते हैं किसी जिस्म का क्या मेजर करने के लिए? मैस, कितनी उसने जगह घेरी हुई है, कितना उसके पास मैटर मौजूद है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं जी? फिज़िकल बैलेंस। ये है जी कुछ डिस्कशन मैस के मुतालिक। अब यही बात अब हम किसके लिए कर लेते हैं? वेट के लिए। अच्छा, मैस के लिए एक और बात है जी, वो क्या है कि मैस प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता। मैस आपका जो ज़मीन पे है वही कहाँ पे होगा? चांद पे, वही स्पेस में, वही ज़मीन के सेंटर में, क्योंकि आपकी बॉडी ने मैटर तो चेंज नहीं कर लेना। क्या आपकी बॉडी में से पानी कम हो जाएगा? क्या आपकी बॉडी में से ये जो आपको नज़र आ रहे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये खुलिए सेल्स कम हो जाएंगे? नहीं। सो इसका मतलब मैस डज नॉट वेरी, मैस चेंज नहीं होता फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे क्या चीज़ वेरी नहीं करती, क्या चीज़ चेंज नहीं होती? मैस चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। हर जगह इसकी वैल्यू क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है, सेम रहती है। अब वेट की बात करते हैं। जनरली तो हम मैस एंड वेट एक ही तसव्वुर करके तो चलते हैं, लेकिन वज़न एक और क्वांटिटी है, एक और फिज़िकल क्वांटिटी है। वज़न क्या है फिर?
वजन किसी बॉडी का कब बनता है? जब किसी जिस्म के मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो वेट इज अ फोर्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले वेट की डेफिनेशन क्या है, फर्ज कीजिए यही ब्लॉक है, इसका मास एम था, इसका वेट क्या होगा? वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ क्या जी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट वो फोर्स है जिससे जमीन जिस्मों को किस तरफ खींचती है। वेट का, वेट की डेफिनेशन सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, ये चांद के लिए भी है। चांद पे जाएंगे तो चांद की ग्रेविटी थोड़ी है, तो पुल उसकी थोड़ी होगी, तो चीज़ों का वजन वहाँ क्या होगा, कम होगा। जमीन बड़ी है चांद की निस्बत, इसकी खींचने की ताकत ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा है, तो क्या करेगी, ज़्यादा फोर्स से खींचेगी, ज़्यादा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से खींचेगी, चीज़ों का वजन क्या होगा, ज़मीन पे चीज़ों का वजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वेट की डेफिनेशन पहले से क्या है बेटे, वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। वजन एक ऐसी फोर्स है, वजन एक ऐसी फोर्स है जिससे जमीन क्या किया करती है, चीज़ों को, जिस्मों को, बॉडीज को, मुझे, आपको, टेबल्स को, चेयर्स को, दीवारों को, कमरे को, पंखे को, किस तरफ खींचे, टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जमीन का सेंटर है ना, उस सेंटर में कशिश पड़ी है, एक फोर्स पड़ी है जो जिस्मों को क्या चाहती है, अपने मरकज की तरफ खींचना। वो क्या चीज़ है, वेट। सो वेट इज अ फोर्स, और फोर्स है तो बेटे वेक्टर ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के लिए हमें सिमत भी बता, तो देखिए वेट की तो डायरेक्शन कंफर्म हो गई कि वेट की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, टूवर्ड्स द सेंटर, हमेशा नीचे की तरफ, चाहे ऊपर जाएं हम चाहे नीचे जाएं, वजन की सिमत हमेशा किस तरफ होगी, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। सो दूसरी चीज क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी थी, तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट हमेशा डाउनवर्ड और उसकी सिमत किस तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती। तीसरी चीज, वजन को किस में मैयर किया जाता है, मास को तो केजीज में, किलोग्राम्स में करते थे, वजन क्योंकि फोर्स है, और बेटे हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन के सेकंड लॉ में, फोर्स का यूनिट क्या हुआ करता है, न्यूटन, फोर्स न्यूटन है, तो वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, तो इसका यूनिट भी क्या होगा बेटे, इसका यूनिट भी क्या होगा, फोर्स की ही तरह इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन्स, फोर्स भी न्यूटन्स में मैयर होगी, न्यूटन में मैयर होगी, ये इसकी तीसरी खूबी। अब वजन को कैसे मैयर करते हैं, देखा बेटे अक्सर मुर्गियाँ देने के लिए आते हैं, ये जो मुर्गियाँ बेचते हैं ना गोश्त, चिकन बेचते हैं, उनके पास मुर्गियाँ देने आते हैं जी, तो जी वो छाबा लगा के उसमें मुर्गियाँ डाल के, तो देखे कि एक बहुत बड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो पकड़ के तो किसी चीज़ से हैंग करके मैयर कर रहे होते हैं, वो क्या है, दैट इज़ अ स्प्रिंग बैलेंस। वजन को मैयर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बेटे, स्प्रिंग बैलेंस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा बैलेंस जिसमें क्या मौजूद है, स्प्रिंग मौजूद है, और स्प्रिंग बैलेंस जब भी यूज करेंगे तो आप क्या मैयर कर रहे होगे, वेट मैयर कर, ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद क्या वजन भी मास की तरह चेंज नहीं होता, होता है बेटे, क्योंकि वजन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वजन का कुलिया हमने यहाँ लिखा हुआ है, वेट इज इक्वल टू एम जी, वजन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जिस्म के मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मुझे बताएं क्या चीज़ों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम रहता है, मास तो सेम रहता है, मास तो सेम रहता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी सेम रहता है, नहीं, ये तो ऊपर चलते जाएं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक याद है, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम, जब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम तो वजन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। इसी तरह हम जानते हैं कि जमीन का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 है तो मून का क्या है, 1.6, कितना कम है, तो जब मून पे जाएंगे मास को, अपने मास को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वजन क्या महसूस होगा, थोड़ा, मास को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वजन ज्यादा, इसका मतलब प्लेस टू प्लेस वेट की वैल्यू क्या करती है,
चेंज करती है, वेरी करती है. सो इट चेंजेस, इट चेंजेस, ये चेंज होता है. क्या, कैसे? प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस. आपका वजन यहाँ कुछ और है, माउंट एवरेस्ट पे कुछ और होगा, स्पेस में कुछ और होगा, चांद पे कुछ और होगा, मार्स पे कुछ और होगा. सो वजन क्या करता है? वेरी करता है. क्योंकि वजन का इन्हेसार दो चीज़ों पे है, मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. मैस डज नॉट चेंज, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो वेट को चेंज कर देगा, क्योंकि जी कॉन्स्टेंट नहीं रहता. अच्छा, कोई ऐसी जगह भी है जहाँ वजन, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ऐसी जगह भी है जहां वजन जीरो हो जाता है? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर आप जमीन के सेंटर में चले जाएं, जहां से कशिश स्टार्ट हो रही थी, अब वहीं पहुंच जाएं, तो क्या नतीजा निकलेगा? पुल, ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो जाएगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एंड अप्स. तो क्या नतीजा होगा? कौन सी जगह है जहां वेट क्या तसव्वुर होगा? जीरो. दैट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये थी डिस्कशन बेटे मैस एंड वेट की. आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, दैट इज क्या जी हमारा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हम न्यूटन का पहला और दूसरा कानून पढ़ चुके हैं. पहले कानून में हमने सीखा कि जब किसी जिस्म पे फोर्स ना लगे तो बॉडी या तो रेस्ट में देखोगे या फिर यूनिफॉर्म मोशन करती दिखेगी. दूसरा कानून ये था कि अगर किसी जिस्म पे नेट फोर्स लगे, फोर्स लगना शुरू हो जाए, तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा? एक्सेलरेशन. तीसरा कानून ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन. हर एक्शन के मुखालिफ क्या मौजूद है? हर एक्शन के अगेंस्ट क्या महसूस होगा? रिएक्शन. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. हर एक्शन का, हर अमल का क्या मिलेगा आपको? रद्दे अमल जरूर मिलेगा. कीमत में क्या मिलेगा? बराबर, लेकिन सिम्मत में मुखालिफ. आप किसी के मुंह पे चांटा, थप्पड़ लगाते हैं, क्या आप ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि आगे से भी उठ लगाए? बेटे, किसी के पे एक्शन एग्जर्ट किया है. एक गेंद है जिसे आप दीवार की तरफ फेंकिए, वो गेंद दीवार की तरफ जाएगा. दीवार की तरफ जाते हुए आपने उसे एक्शन दिया था, क्या दीवार उसे रिएक्शन नहीं देगी? जब वो दीवार से जाके हिट करेगा, एक्शन, अपना एक्शन दिया, दीवार उसे क्या देगी? रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ऐसे टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज क्या है? एन एक्शन, एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन के अपोजिट क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा. अपोजिट क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा. जिसकी कीमत तो बराबर होगी, लेकिन सिम्मत क्या हुआ करेगी? मुखालिफ, बिल्कुल मुखालिफ. अगर एक्शन आप नीचे की तरफ लगाएंगे, रिएक्शन की तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिले. आइए इसे तफसीलन डिस्कस करते हैं, क्या इसका मतलब है एक्शन एंड रिएक्शन, यहाँ क्या मुराद है. एग्जाम्पल से इसे स्टडी करके देखते हैं. बेटे, अगर एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हो, वो बुक क्यों नहीं मूव करती? क्योंकि टेबल का वजन, एक बुक पड़ी है बेटे, टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी है, फर्ज कीजिए ये बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ये क्यों मूव नहीं करती? वजह, क्योंकि इसका वजन किस तरफ है? वजन इसका किस तरफ है? नीचे की तरफ. और टेबल इसे किस तरफ उठाए हुए है? ऊपर की तरफ. टेबल जो फोर्स लगाएगा वो क्या कहलाएगा? रिएक्शन. और बुक जो फोर्स लगाएगी वो क्या कहलाएगी? एक्शन. एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन. ये बुक क्यों मूव नहीं कर रही? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन के मुखालिफ आपको बराबर रिएक्शन जरूर मिलेगा. जितना एक्शन एग्जर्ट करोगे उतना रिएक्शन मिलना ही मिलना है.
तो एक्शन कौन लगा रहा है? किताब नीचे की तरफ और टेबल क्या लगाएगा उसके ऊपर? रिएक्शन ऊपर की तरफ। इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और किताब हमें किस हालत में दिखेगी? सकूत की हालत में, रेस्ट की हालत। इसी तरह बैलून हवा भर के उस पर धागा लपेटने की बजाय उसका मुंह खुला रहने दी, छोड़ दीजिए। बैलून में हवा भरिए और इसे रिलीज कर दें, हाथ से छोड़ दें, क्या होगा? बड़ी फास्टली रैंडम मोशन करता हूँ, मूव करेगा। उसे एग्जामिन कीजिएगा, उसके जो इनलेट है, जो सुराख है, उसमें से हवा किस तरफ आ रही होगी? पीछे की तरफ। और बैलून किस तरफ जा रहा होगा? ये क्या है, ये कौन सा कानून है? न्यूटन का थर्ड कानून, कि एक्शन किस तरफ है? आगे की तरफ, तो हवा किस तरफ आ रही है? रिएक्शन के तौर पर पीछे की तरफ। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के बराबर लेकिन सिम्मत में मुखालिफ हमें क्या मिलेगा? रिएक्शन जरूर मिलेगा। एक और मिसाल देख लेते हैं। एक मिसाल ये हमने देखी, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, जिसमें दो फोर्सेस हैं, एक एक्शन नीचे, एक रिएक्शन ऊपर। दूसरी मिसाल हम कौन सी कर रहे हैं जी? अ बैलून, एक गुब्बारे की मिसाल। क्या मिसाल है जी इसकी? क्या मतलब इसका? कि बेटे बैलून को जब हम रिलीज करते हैं तो बैलून फॉरवर्ड मूव करता है और एयर पीछे से, बैक साइड से उसके निकलती महसूस होती है। बैलून एक्शन के तौर पर आगे जा रहा है तो हवा रिएक्शन के तौर पर पीछे निकलती। एक मिसाल। अच्छा, जब हम चलते हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं, जब हम मूव कर रहे हैं, जब हम रन कर रहे हैं, गौर किया है? हम जमीन पे क्या एग्जर्ट करते हैं? जमीन को कहाँ, किस तरफ दबाते हैं? नीचे की तरफ। और जमीन हमें किस तरफ धकेलती है? ऊपर की तरफ। कैसा नहीं है? अगर इसी तरह खुदा ना खास्ता दलदल में गिर जाए, दलदल में हो, हम तो एक्शन लगाते हैं, क्या हमें नीचे से रिएक्शन मिलता है? क्या हम उसमें चल पाएंगे? क्या हम उसमें हरकत कर पाएंगे? हम अपना एक्शन लगाते जाएंगे, पाँव मारते जाएंगे, लेकिन नीचे से हमें क्या नहीं मिलेगा? क्योंकि नीचे सरफेस नहीं है, क्योंकि नीचे ग्राउंड नहीं है, क्योंकि नीचे सरफेस क्या है जी? मुलायम है, मट्टी क्या हो चुकी है, बड़ी अब समझ लीजिए कि गुंधी हुई है पानी की मिलाप की वजह से, अरसा दराज से पानी खड़े होने की वजह से बड़ी मुलायम नरम हो चुकी है, वो हमें रिएक्शन नहीं दे पाएगी। सो एक्शन हम एग्जर्ट करते हैं चलते हुए नीचे की तरफ, और ज़मीन हमें किस तरफ देती है रिएक्शन? ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से हमारा चलना मुमकिन है। हमारा चलना इसी की वजह से मुमकिन है। अगर ज़मीन नीचे से रिएक्शन ना दे तो हो ही नहीं सकता हम चल सके। पानी पे क्यों नहीं चल पाते? पानी पे क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि पानी हमें उतना रिएक्शन नीचे से नहीं देता। लेकिन कश्तियाँ ऊपर आप तैरती देखते हैं, जितना वो एक्शन लगा रही है नीचे से क्या मिल रहा है उन्हें? उतने ही रिएक्शन, इसलिए आपको तैरती दिखेंगी। सो ये है एक्शन की। किसी मिसाल हमने क्या डिस्कस की? हमने वॉक ऑन रोड, जब हम रोड पे चलते हैं तो हम क्या एग्जर्ट करते हैं? जब हम मूव कर रहे होते हैं तो बेटे हम क्या एग्जर्ट करते हैं जी? हम जमीन पे, अर्थ पे क्या एग्जर्ट करते हैं? एक्शन। और अर्थ हमें ऊपर की तरफ क्या प्रोवाइड करती है? रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारा चलना मुमकिन है, वरना हम मूव ना कर पाते, हम चल ना पाते। ऐसे ही जैसे कीचड़ हो, कीचड़ में चलना आसान है, भागा जाता है? नहीं भजा, क्योंकि कीचड़ हमें क्या देगा? एक तो फ्रिक्शन ज़्यादा देगा, दूसरा वो उतना हमें रिएक्शन नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारा चलना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा परिंदे, देखा परिंदों को फ्लाई करते, देखा कौवा, चिड़िया। चिड़िया तो सैकड़ों बार पर को क्या कर दी है? मूव कर दी है। बड़े से बड़ा परिंदा देखें जो उड़ता है, क्या करता है? विंग से क्या करता है? हवा को किस तरफ करता है और खुद किस तरफ जाता है? ऊपर की तरफ। ये है अगर हवा ना हो। अगर हवा ना हो क्या परिंदा उड़ सकेगा? मुमकिन ही नहीं बेटे। हवा वो चीज़ है उसके लिए कि जिसे वो पुश करता है किस तरफ? नीचे की तरफ। और खुद किस तरफ जाता है? ऊपर की तरफ। अगर उसने आगे जाना है तो हवा को किस तरफ करेगा पुश? पीछे। और खुद किस तरफ जाएगा? इसी तरह। तो क्या जी चौथी एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे? अ फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ता हुआ परिंदा। इसके अलावा स्विमिंग करते हैं, ऑब्जर्व किया कभी? स्विमिंग जब करते हैं तो पानी को किस तरफ धकेलते हैं हम?
खुद किस तरफ जाते हैं? आगे की तरफ। एक्शन और आपको क्या मिलता है? रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के मुताबिक आपको रिएक्शन जरूर मिलेगा। कीमत में मसावी लेकिन सिम्मत में मुखालिफ। एक्शन राइट वर्ड तो रिएक्शन लेफ्ट वर्ड, एक्शन अपवर्ड तो रिएक्शन डाउनवर्ड। ये निशानी है। इसके अलावा एक और मिसाल, तो ये जी हम क्या लिख सकते हैं? स्विमिंग, जब हम स्विमिंग करते हैं। और जी और बहुत सी मिसालें हैं। बुलेट एंड गन, गन एंड बुलेट, देखा कभी? जब हम गन फायर करते हैं, गोली चलाते हैं, गोली किस तरफ जाती है? और गन किस तरफ आती है? गन को झटका किस तरफ मिलता है? गन किस तरफ रिकॉइल कर दी है? गन किस तरफ? पीछे की तरफ। टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के मुसावी लेकिन सिम्मत में मुखालिफ क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। ये केवल मिसाल थी। रॉकेट, रॉकेट फायर करते सैटेलाइट्स में जी जाती हैं। इसके अलावा रॉकेट चलाते हैं न्यूक्लियर पावर दिखाने के लिए, रॉकेट मिसाइलों का तजर्बात करते हैं। तो देखा है, मिसाइल में से ईंधन किस तरफ निकल रहा होता है? पीछे की, नीचे की तरफ। गैसेस किस तरफ निकल रही हैं? नीचे की तरफ। और रॉकेट किस तरफ जा रहा होता है? ऊपर की तरफ। क्या ही जो गैसेस हैं वो एक्शन के तौर पे नीचे निकल रही हैं। अब जब गैसेस नीचे निकल रही हैं तो रॉकेट को क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन के तौर पे किस तरफ उठना पड़ेगा? क्या ख्याल है? थोड़ी सी गैसेस, थोड़ी सी आग, थोड़े से उनके शोलों से रॉकेट उठ जाएगा? नहीं, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस जब नीचे निकलेंगी तो क्या नतीजा निकलेगा? उन गैसेस के निकलने से रिएक्शन पैदा होना शुरू होगा। एंड एट लास्ट क्या करना पड़ेगा रॉकेट को? क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठना पड़ेगा। सो क्या है इसकी मिसाल? सिक्स मिसाइल एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मिसाइल्स, या किसकी मिसाल दे सकते हैं? रॉकेट्स, जेट एरोप्लेन्स, देखते नहीं जेट एयरक्राफ्ट, उनमें किस तरफ आग निकलती देखते हो? पीछे की तरफ। और एयरक्राफ्ट किधर जा रहा है? F-16, F-17, थंडर F-17, F-8, जो ये हैं कैसे मूव करते हैं? इनकी जो शोले हैं, आग है किस तरफ निकल रही है? पीछे की तरफ। और ये खुद किस तरफ जा रहे हैं? आगे। सो बेटे ये कानून है, टू एवरी एक्शन देर इज एन रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक्शन के बराबर लेकिन सिम्मत में मुखालिफ आपको रिएक्शन जरूर मिलेगा। ये है न्यूटन का तीसरा कानून। हमने बहुत सी मिसालें डिस्कस करके इस कानून को स्टडी किया, बहुत सी मिसालें हमने देखी, 7-8 एग्जाम्पल देखी, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझ आया होगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।